सामने खींच रहे हैं कि यौम महशर जब लेनिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े होंगे, पेश होंगे, तो वहां पे वो क्या होगा कि लेनिन और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान किस तरह का मुकालमा होगा। और ये तो मुकालमा है ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ लेनिन ही बोल रहे हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ सुन रहे हैं। अब ये खुद आप जहन में ये खींचे, एक नक्शा खींचे कि वो मंजर क्या है, जब लेनिन जैसा बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होगा तो वो अल्लाह को क्या कह सके। तो अलामा कहते हैं फौज का पहला हिस्सा, हम जल्दी से उससे गुजरेंगे। ऐ अनफुस ओ आफाक में पैदा तेरे आया, हक ये है कि जिंदा हो पाइंदा तेरी जात, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हर दम मुतबय्यर थे खिलत के नजरियात, महरम नहीं फितरत के सुरूद अजली से, बिनाए कवाकिब हो के दानाए नबाता, आज आंख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खराफा, हम बंदे शब और रोज में जकड़े हुए बंदे, तू खालिक आसार ओ निगाह और निगाहराय ओ निगारिंदाए आना। यहाँ पे लेनिन ने अपनी सफाई पेश कर दी है कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई, मान लिया कि मेरे से अब मेरे से गलती हो, मैं वहां पे जब था तो महरम नहीं फितरत के सबूत अजली से, बिना एक वाकिब हो के दानाए नबातात, जितने भी फिजिसिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, जो मुझे सबक पढ़ा रहे थे कि हकीकत क्या है, उस सब के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ, वो फितरत के महरम नहीं थे, वो टेक्निकल स्पेशलिस्ट्स थे। हाँ ठीक है, उन्होंने हिग्स बोसॉन का पार्टिकल डिस्कवर कर लिया था, उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कवर कर ली थी, उन्होंने डीएनए को मैप कर लिया था, सारा कुछ कर लिया था, लेकिन वो फितरत के महरम नहीं थे। मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई, आज आंख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के बराबर, आज तो आपने देख लिया, वो जो मैं समझता था कि ये मौलवियों का सारा घिड़ाया हुआ, ये खुदा और रिसालत, मैं तो सही से मौलवियों ने पादरियों ने इसको घिड़ाया हुआ, इसकी कोई मानता तो इसमें मेरा ख्याल कोई ऐसी चौंका देने वाली बात नहीं है। आगे अब ये नजम एकदम बदल, इसका जो सेंस है, इसका जो फ्लो है एकदम बदलता है, लेकिन जब वो बदलता है देखें कि कितने अदब से बदलता है। ये अल्फाज लेनिन के हैं, यानी अल्लामा ये अल्फाज लेनिन के मुंह में डाल रहे हैं। एक बार अगर मुझको इजाजत हो तो पूछूं, हल कर न सके जिसको हकीमों के मकाला, अदब एहतराम से। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, एक ऐसा सवाल जो कोई हकीम इस सवाल को हल नहीं कर सकता। जब तक मैं जिया खैमाए अफलाक के नीचे, कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात, गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता, जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्याला। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और यह सवाल जब मैं खैम
जिंदगी जी रहा था उस वक्त भी यह सवाल कांटे की तरह दिल में खटकता रहता, मुझे यह सवाल तंग करता रहता था। अब मैं आपके सामने आ गया हूं खड़ा, मैं अब यह सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। वो कौन सा सवाल है? वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है महबूब, वो आदम खाकी कि जो है जेर समाबात। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, बताओ मुझे वो कौन सा आदम है जो आपको अपना महबूब मानता है। मैं वो दुनिया पीछे छोड़ आया हूं, जिस जो दुनिया मैं पीछे छोड़ आया हूं वहां पे हाल क्या है। जिस आदम को मैं जानता था, जिस आदम के साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, उसका हाल क्या है। मशरिक के खुदा मन सफेदाने और अंगी, मगरिब के खुदा मन दरक्षिंदा फलिजा। ये तो वो आदम है ना जिसको मैं छोड़ के आया हूं। जो आदम मशरिक में है उसका माबूद है सफेदाने फरंगी, और जो सफेदाने फरंगी मगरिब में है उनका माबूद है दरक्षिंदा फलिजात। अगर मगरिब मशरिक में सफेदान फरंगियों की परस्तिश की जा रही है, मगरिब में दरक्षिंदाए फलिजात की परस्तिश की जा रही है, तुम्हारी परस्तिश करने वाले को करने वाला रह कौन गया है। वो कौन सा आदम है जिसका है तू महबूब। अब यहां पे वो जाहिर के अजामा एक बहुत ही दौरे हाजिर में हो क्या रहा है। जाहिर है कि दावेदार तो बहुत हैं दौरे हाजिर में भी, जो कहते हैं कि खुदा हमारा महबूब है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे से जाके देखी जाए, बात गहराई में देखी जाए, तो हकीकत कुछ और है। यूरोप में बहुत रोशनी इल्म हुनर है, हक ये है कि बेचश्मे है वहां है ये जुलूमात। अब यूरोप रोशनी इल्म, वो लाइट इनलाइटनमेंट फिलॉसफी रेनेसांस, ये बुनियादी ये हैं टर्म्स हैं, ये बुनियादी इस्तलाहात हैं जो मगरिब की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और ये टर्म्स बिल्कुल दोनों ऐसे हैं। हम इनलाइटेंड लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इल्म दोस्त हैं, हम वो लोग हैं जिनको मंतिक और अकल हमारे लिए बहुत ऊंचा मुकाम रखती है। अब अलामा लेनिन के मुंह से ये कहवा रहे हैं, हक ये है कि दे चश्मा है वहां है ये जुलूमात। ये उल्म और हुनर, ये रोशनी है इल्म और हुनर, इसमें हयात परवान नहीं चढ़ सकती, इसमें जिंदगी परवान चढ़ना तो दूर की बात है, इसमें जिंदगी जन्म ही नहीं ले सकती। बेचश्मा है मां है ये जुलूमात। आगे अब
negotiate. اسمیں جو علامہ کی جو نظر ہے جاتے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. رہنا یہ تعمیر میں رونق میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارت. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مر کے بپا جائے. اب ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بس بابا ٹھیک ہے, یہ بات لگتی ہے دل کو لگتی ہے, لیکن دل کو لگنے سے یہ یہاں پہ بھی اس کو سمجھ آنی چاہیے. یہاں پہ اب جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو رسول ہے, جو رسول کی جو نگاہ ہے یا بصیرت ہے, وہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. اس شعر میں علامہ نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے, وہ ہے ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے. جس کو ہم یہ ٹریڈ کہتے ہیں, مشہور فری ٹریڈ, اوپن ٹریڈ, یہ ٹریڈ ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج, وہاں پہ اسٹاکس ایکسچینج ہو رہی ہیں, وہاں پہ تجارت ہو رہی ہے. اور اب یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ بھی ایک پرائمیٹیو فارم آف ماڈرن ٹریڈ بن گئی ہے. بات اب اس سے بہت آگے چل گئی ہے, اب بات وینچر کیپیٹلزم پہ آ گئی ہے, اب کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس پہ آ گئی ہے, اب ایسی اب فارمز آف ٹریڈ سامنے آ گئی ہے جس کے جو اکثر ٹریڈ کرنے والوں ہیں ان کو بھی نہیں پتا. جو اکثر ٹریڈ کرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. ایک فائنانس کیپٹلزم کی ایولیوشن جہاں تک پہنچ گئی, جہاں اس وقت ڈیٹ از بینگ بوٹ اینڈ سولڈ, دس از ایٹ دا کٹنگ ایج of the global marketplace. This is the most sophisticated type of business activity that is currently taking place. یہ جو فیکٹریوں میں چیزیں بنانا ہے, کوئی سرجیکل انسٹرومنٹس بنا رہے ہیں, کوئی اسپورٹس گوڈس بنا رہے ہیں, دس از اے ویری پرائمیٹیو فارم آف اکنامک ایکٹیویٹی. اب سرجیکل انسٹرومنٹس اور اسپورٹس گوڈس کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ٹویوٹا ہوا یا جنرل موٹرز ہوئے یا جو بڑی بڑی گاڑیوں کے مینوفیکچررز ہیں, دیٹ از اے سائڈ بزنس آف واٹ دیٹ کمپنی از ایکچولی ڈوئنگ. اس کی جو ان کی جو اصل بزنس ہے وہ ہے فائنینسنگ. اصل بزنس ان کی ہے فائنینسنگ. The material goods that they are manufacturing and selling, that is a means towards another type of trade. Number ایک, number دو, اب جب یہ trade جب اس level پہ ہو رہی ہے, اب اس وقت یہ کوئی شاعر نہیں بول رہا, وہاں کے معاشیات کے ماہرین کیا بول رہے ہیں, انہوں نے اس ٹیم کو جو لقب دیا ہے وہ ہے کسینو کیپٹلزم. انہوں نے خود یہ لقب دیا ہے, دس از کسینو کیپٹلزم. اور بندہ سوچتا ہے کہ مجھے پکا نہیں پتا کہ علامہ نے یہ نظم کس سن میں لکھی ہے, 1930 میں ہوگی, 35 میں ہوگی, شاید اس سے بھی پہلے ہو, 2 سال. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 1930 میں اس کو نظر آ گیا ہے کہ یہ جو ساری تجارت ہو رہی ہے اصل میں یہ
ये जुआ है। और ये जुआ है, इस जुए की बैक एंड पे, इस जुए की रूह क्या है? सूद। सूद, सूद एक का लाखों के लिए मर के मफाजा। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तलीम मसावा। जो भी हमारे जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी डॉक्टरेट हासिल कर ली हैं, जो इसको अगर पढ़ रहे हैं, जो अपने बैचलर्स पढ़ रहे हैं, अपने अपने बारे में वो क्या सोचते हैं कि हम इल्म और हिकमत सीख रहे हैं, हम तदब्बुर में गोते लगा रहे हैं। ये सारी जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जिस तरह पढ़ाई जा रही हैं, वो बस यही है कि इंसान को एक आदमखोर बनाना, आदमखोर बनाना, और आदमखोर बन के उसका जमीर बिल्कुल मुतमईन हो जाए कि मैं जो कर रहा हूं इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये है तारीफ आज के पढ़े लिखे इंसान की, एक आदमखोर जो बिल्कुल मुतमईन है कि जो मैं कुछ कर रहा हूं ये इल्म है, ये हिकमत है, ये ये आज का जो पीएचडी है वो उसकी ये तस्वीर है, आज का जो टिपिकल पीएचडी है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता उनका सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग हो, फाइनेंस हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो। बेकारियो उड़ियानी ओ मैं खारियो इफलास, क्या कम है फरंगी मदनियत के फतूहात, शराब, तबाब, मरासीपन, जिनाकारी, असी बहुत मॉडर्न है। ये है मॉडर्न होने का, ये इंडियन सिपाही, शराब, तबाब, जिनाकारी। वो कौम के फैजाने समावी से वो महरूम, हर उसके कमालात की है बर्फ व बुखारा। यहां पे वो जैसी टेक्नोलॉजी, बर्फ और बुखारा, हर उसके कमाल की है। और देखो जी मेरा तो मेरा आईफोन आ गया, मेरा या स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन तो आईफोन आ गया। देखो जी मेरे स्मार्टफोन की क्या बड़ी ऐप्स आ रही हैं, और वो बड़ी ऐप्स अभी डाउनलोड कर रही है। यानी इससे अपनी बड़ाई या दिल का कस, जमीर का तस्कीन, क्या सुन रहे आपको शायद आपसे पहले ये वाक्य शेयर किया हो कि नहीं, लेकिन अगर किया था तो दोबारा भी करने के लिए करना, ये बहुत हर दफा करना चाहिए। सईद हुसैन नसर हैं, अमेरिका में पढ़ाते हैं, वो ईरान के हैं। जब इंकलाब ईरान आया तो वो अमेरिका चले गए, तो पिछले 30-35 साल से इस वक्त छोटी के एक स्कॉलर समझे जाते हैं, फलसफे में भी और दीनियात में भी। तो वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि 1965 में या 63 में वो पाकिस्तान आए, 1965 या 63 में पाकिस्तान आए, तो लाहौर के एयरपोर्ट पे वो उतरे, जो पुराना एयरपोर्ट। कहते कि मैं पुराने एयरपोर्ट में निकला तो उस जमाने में वहां पे टांगे होते थे, मैं टांगे पे बैठ गया और टांगे वाले को कहा मुझे फलाने का लेके जाओ।
तो वो कहते हैं कि टांगे वाले को पता चल गया कि मैं ईरान से हूं। वो कहते हैं कि टांगे वाले को पता चल गया मैं ईरान से हूं। उसने क्या सादी, क्या शिराजी, क्या इकबाल, क्या रूमी, अजबर शेर, एक के बाद दूसरा उसने। ये एक उस वक्त का अनपढ़ जाहिल अंगूठा छाप टांगे वाला। आज तो टांगे वाले बेचारे वो बुत बाकी नहीं रहे। आज अगर वो आते हैं शहर से नजर पाकिस्तान और उनको गालिबन कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही जाएगा रिसीव करने, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उनके साथ क्या गुफ्तगू करेगा? शिराजी, सादी, रूमी, इकबाल के शेर कौन से शेयर करेगा? आज का जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर उनको रिसीव करने जाता है तो क्या किस तरह की गुफ्तगू हो? कि ये जो तहजीब है हर किसके कमालात, हर उसके कमालात की है वर को बुखारा बस किसी है। दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। मैंने सोच समझ के ये कपल इस तो ये वहां पर इस्तेमाल किया था आदम और मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग एक खास मटेरियल कंडीशंस में रहते हैं, जिनका सबसे करीब तरीन ताल्लुक उनका है टेक्नोलॉजी के साथ, उनमें एहसास मुरब्बत बच सकता है। It is not physically possible. वो तो इसी तरह है ना, कोई अफ्रीका के तपते हुए सूरज के नीचे रहे और वो बंदा गोरा ही रहे, ये हो सकता है? वो मटीरियल कंडीशन ऐसी है कि आप काला हो के रहेंगे, काला होके रहेंगे। कोशिश भी ना करो बचने की, मैं काला ना हूं। कोशिश भी ना करो कि आपके एहसास मुरब्बत बच जाएंगे अगर आपने अपने आप को एक खास माहौल में रहने के आप आराम से रहने देंगे। यहां तक जो हुआ है कि अलामा ने वो जो रिसालत का एक है वो नसियान और गफलत से हमें थोड़ा सा उसके पर्दे झाड़ने की। अब जो मायूसी छाई हुई है और जो बदजनी छाई हुई है, आसार तो कुछ कुछ नजर आते हैं कि आते तदबीर को तकदीर के शातर ने किया मात। मैं आने की बुनियाद में आया है तजलजुल, बैठे हैं इसी फिक्र में पीराने खराबात। हमें शायद इसका एहसास इतना ना हो क्योंकि ऐसे इंसानों का उसे देखने नहीं मिलती। अपना रोना रोना रोने को ना अपना मातम हाय हाय भी हो गया बुरे हाल हैरान हो जाए इन लोगों के साथ उठना बैठना। बिल्कुल मुझे अपनी बहनों से थोड़ी सी माजरत करके, वो जो मोहल्ले की औरतें नहीं है ना जब इकट्ठी हुई है, हाय हाय करने तो अलावा होना था दूसरा कोई टॉपिक होता है सर। ये मर्द आना तो बैठना तो हाय हाय तो अलावा कोई दूसरा मौजू देते कोई गुफ्तगू नहीं होंगी। मर्द भी वही बन गए रोना पिटना।
अलामा को नजर आ रहा है, अलामा को नजर आ रहा है कि एक उम्मीद की किरण, और वो उम्मीद की किरण कहां से नजर आ रही है? वहां भी जो वीराने खराबात हैं वो किसी फिक्र में बैठे हैं कि ये जो अजीम इमारत इन्होंने तामीर की है पिछले 300 साल से या 400 साल से, उस बुनियाद की, उस इमारत की बुनियाद में दरारे आ गई हैं। चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है सरे शाम या गाजा है या सागर ओ मीना की करामा, तो कादिर वो आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तब बहुत बंदाए मजदूर के औकात। मैं बस इस बात पे खत्म करना चाहूंगा और फिर मैं कहूंगा कि जो रिपोर्ट किया गया है उसको इरेज कर दिया जाए। तो मैं क्यों कहूंगा वो आपको समझ आ जाएगी जब मैं अपना आदि हूं। जाहिर है कि जो रसूल करीम हैं वो खुदा नहीं है, इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो खुदा नहीं है, लेकिन जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, इनकार तो दूर की बात है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई उंगली उठाई, आया वो खुदा को पहचान सकता है? जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कशी की वो खुदा को पहचानने से महरूम हो गया है। यह है रिसालत और खुदा में ताल्लुक। रिसालत और अल्लामा इकबाल में क्या ताल्लुक है? अल्लामा इकबाल ना नबी है या रसूल है, इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक है? ना वो नबी है ना वो रसूल है। जिसने अल्लामा इकबाल को रद्द किया, रद्द करना तो दूर की बात है, जिसने अल्लामा के ऊपर उंगली उठाई, जिसने अल्लामा की किरदार कशी की, वो रिसालत का जो पैगाम है वो रिसालत के पैगाम को इस दौर में समझने से कासिर। इस वक्त अगर रिसालत का जो पैगाम है उसको किसी ने समझना है, खास तौर पे जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, अगर उसने समझना है, जाहिर है कि अली करम अल्लाह वजह हो दरवाजा है मदीना तो हिकमत का है, सर हमारा झुक जाता है उस हदीस के सामने। ये उस वक्त की बातें हो रही हैं। हर दौर में एक ऐसे शख्स का उठना लाजिम है, वो वाला जो दरवाजा अली करम अल्लाह वजह है उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कोई और दरवाजे खोलने की जरूरत है। इस वक्त यह है रिसालत और अल्लामा इकबाल के दरमियान ताल्लुक। जज़ाकुम अल्लाह खैर आपकी सबर का असलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाद सर, बगैर सितम ही के मोहतरम रीडिंग रहे जुमा साहब शुरुआत करना करवाएं और अहले सियालकोट से बात करें। बहुत
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ نے مومنوں پہ یہ احسان کیا ہے, ان میں ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کرتے ہیں, پھر ان کو بات کرتے ہیں, پھر ان کو دانائی اور حکمت سکھاتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ لوگ ایک گمراہی میں مبتلا تھے, ضلال المبین, جس کے معنی ہیں کہ وہ پیگنزم میں تھے, ان کو خدا کا یا معاشرے کا یا اخلاقیات کا کوئی علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤ بہن ہوں لیکن فرمایا ہے کہ تلاق محمد رسول اللہ نے مار اشدا والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی ہیں وہ کافروں کے سخت ہیں, آپس میں وہ محبت کے بیٹھے. بعد نے اسی چیز کو کہا ہے جس سے دیلے لالا میں ٹھنڈک کو وہ شبنم, دنیاؤں کے دل جس سے دھل جائے وہ کفا سفا جو وفا جو چار مناسب ہو تو بنتا ہے. پروفیسر صاحب نے جب ڈاکٹر حسین نصر کا ذکر کیا تو مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ بادشاہ کا زمانہ تھا 1978 کا, 22 سال میری عمر تھی اور میں فارسی میں بی پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تہران یونیورسٹی میں جب میں پہنچا سرکاری مہمان کے طور پہ, پروفیسر حسین نصر وہاں کے وائس چانسلر تھے, پروفیسر آف فلاسفی تھے. ان سے ملاقات کا شرف جب حاصل ہوا تو انہوں نے مجھے ایک کتاب اپنی دی اپنے دوستوں کے ساتھ, تاریخ فلسفہ ایران. تاریخ فلسفہ ایران کے دوسرے پیج میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, بڑا عرصہ ہوا میں نے پہلے یہ کتاب پڑھی, انہوں نے کہا کہ ایران فلسفے حکمت اور دانائی کا ایک مرکز, لیکن ملا صدر الدین شیرازی کے بعد, ملا صدرہ کے بعد 400 برس سے کسی نے ایران میں فلسفے میں کوئی کام نہیں کیا, اور اگر کسی نے اس کام کا احیاء کیا ہے تو علامہ اقبال نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس. آج میں کیونکہ اہل سیالکوٹ سے مخاطب ہوں تو بار بار مجھے سیالکوٹ کی وہ علمی اقدار یاد آ جاتی ہے کہ ملا صدر الدین شیرازی کی جو کتب ہے فارسی میں ان کو ترجمہ مولانا رفیع مرحوم نے کیا انگریزی, اور مولانا رفیع مرحوم اس شہر کے عظیم ترین اسکالر, مولانا رفیع کے بھتیجے تھے ڈاکٹر عرفانی, ڈاکٹر عرفانی کو پڑھایا بھی انہوں نے, اور میں اور خواجہ خاور اور خرم ہم ڈاکٹر عرفانی کے تجاہر میں پہنچے. اللہ تعالیٰ ان کو وریق رحمت کرے, خدا بند تعالیٰ مولانا امیر حسن کو وریق رحمت کرے, علامہ اقبال کو وریق رحمت کرے, اور جناب احمد خواجہ محمود کو وریق رحمت کرے کہ انہوں نے سیول اسٹڈی سینٹر اپنی زندگی کے آخری دور میں جس محبت اور خلوص کے ساتھ جس محنت کے ساتھ کام کیا, آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور رسالت کر رہے ہیں. مختصراً میں یہ بتاؤں گا کہ رسالت کیا ہے. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو جسے خدا نے کہا ہے ضلال المبین, کہ نبی کے آنے سے پہلے آپ گمراہی کریں, اس گمراہی کو انگریزی زبان میں پہلے نہیں ملتا. انسان مظاہر کی پرست کرتا ہے, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو, پتھر کو, جو چیز سامنے آتی ہے تاکہ آگ کو پوچھتا ہے, پھر سانپ کو پوچھتا ہے, اور اگر آپ ہندو مذہب کو دیکھ لیں بندر کو پوچھنا شروع کر دیں, ہنومان, گائے کو پوچھنا شروع کر دیں. اسی اقبال نے رسالت سے پہلے کے بارے میں کہا ہے کہ بود انسان دا جہاں,
और किसे कहते हैं कि इंसान जो था वो दुनिया के अंदर जो था वो इंसान परस्त था, बुद्ध इंसान ना रहा, इंसान परस्त ना कसो ना बुद्ध बंदो देर दस, और आगे बढ़ता है तो फिर इंसान पूछने चुप कर देते, और इंसान जिसकी परस्तिश करता है वो बादशाह का वक्त जाता है, और ये सारी खूबियाँ उस बादशाह में थी जिसको हम बाबल कहते हैं, बैबिलोन। तहजीब का जो पहला मरकज जो अब इराक में है उसका नाम था शहर बाबल, और बाबल में बादशाह की जो अलामत था वो नमरूद था, और नमरूद के पास आग भी थी और बुत परस्ती भी थी, और बुतों की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी उसका ऑनर जो था उसका नाम आजम था, जो बुत तराशता था और बुत खाना भी था, और वहां भी अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत को पैदा किया जिसको खुदा ने एक रात में सब कुछ दिखा दिया, सितारे को देखा तो कहा मेरा खुदा है, बचपन फिर कहा ये तो डूब गया है, चांद को देखा ये बहुत बड़ा चांद भी, सूरज को कहा ये मेरा खुदा, सूरज भी गुजरा, फिर कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल आफ़ीन, कि खुदा गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता, और इकबाल ने कहा है तार की आफत बराही में करीब अंबिया।